मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार देर शाम दतिया भिंड लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही विश्व प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने पीताम्बरा से किला चौक तक रोड शो किया। सीएम ने किला चौक पर आम सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गरीबी पर गांधी परिवार को घेरते हुए कहा कि 10 साल मनमोहन की सरकार रही, सरकार किसने चलाई? सोनिया गांधी ने। इसके पहले उनके पिता राजीव गांधी की सरकार रही, तब गरीबी दूर हुई क्या? 17 साल इंदिरा गांधी ने सरकार चलाई, तब गरीबी दूर नहीं हुई। यह मोदी सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है। आयुष्मान कार्ड के तहत हर गरीब परिवार का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा, ऐसी कई योजना है। वहीं उन्होंने रोजगार के मुद्दे को लेकर कहा कि दतिया में भी एक रोजगार खोला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। आप बताओ, सरकार बनाने के लिए 5 साल की सरकार बनती कि नहीं बनती? कितने दिन के लिए बनती है? 5 साल की बनती है। अब 3 महीने हुए, अब ये कांग्रेस की सत्ता आई नहीं। ये कहा भैया 2700 का क्या हुआ, 2700 का क्या हुआ? हमने कहा तुम चिंता मत करो बाबू साहब, हमने कहा कि 2275 मोदी जी ने दिए और 1250 हमारे मिलाकर के ये 1-3 महीने के अंदर ही 2400 कर दी है और अगले साल फिर इतने मिलाएंगे। आप 2 साल के अंदर 2700 कर देंगे, 2700 छोड़ो 3000 तक खरीदेंगे, हमारे किसानों का माल खरीदना है, हमने कहा जो करेंगे। दतिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट।